बिहार में करारी हार पर बीजेपी को शायद अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन हकीकत के पीछे की वजह को टटोलने के लिए आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है। आत्ममंथन पर अवलोकन और अवलोकन से बिहार के जनादेश को समझने की कोशिश होगी। बिहार में महागठबंधन की इस महाजीत का अंदाजा लगाने में राजनीतिक पंडित और चुनावी आंकड़ेबाज भी चूक गए थे, लेकिन 178 सीटों पर कब्जा जमाकर लालू नीतीश की इस जोड़ी ने नया सियासी इतिहास रच दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी लहर कई राज्यों में फैली, लेकिन बिहार की जनता ने उसे नकार कर बीजेपी के सामने नया संकट पैदा कर दिया है। महज 17 महीने पहले ही प्रचंड जनादेश पाने वाली बीजेपी को भी इतने बड़े झटके की आशंका कतई नहीं रही होगी, लेकिन हकीकत सामने आई तो झटपट आत्ममंथन, आकलन और अवलोकन की मजबूरी सामने आ गई। तुरंत फैसला लिया गया कि दिल्ली में पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्माण इकाई संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई जाए, लिहाजा आज दोपहर 12 बजे का वक्त मुकर्रर हो चुका है। बैठक में अमित शाह के अलावा कई बीजेपी दिग्गज होंगे जो ये तय करेंगे कि बिहार में करारी हार के पीछे क्या वजह रही, कहां रह गई कमी, कौन है हार का कसूरवार। बीजेपी भी ये जानती थी कि बिहार का रण सिर्फ एक राज्य में सत्ता हासिल करने का जरिया भर नहीं था, बल्कि अहम इतिहास और संतुष्टि की भी जंग थी। अब पार्टी नतीजों का विश्लेषण करेगी और सुधार के कदम उठाएगी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसदीय बोर्ड के सदस्य हैं, लेकिन फिलहाल ये तय नहीं है कि वो इस बैठक में हिस्सा लेंगे या नहीं। लंबी बैठक के बाद भले ही पार्टी हार की वजहों की तह तक जाएगी, लेकिन उससे पहले ही कुछ मुद्दे सामने आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि बिहार में आखिर एनडीए की मिट्टी पली क्यों हुई। शायद नीतीश के गड़बड़ पॉलिटिकल डीएनए का बयान बैकफायर कर गया। लालू को बीप पॉलिटिक्स में घेरने में मोदी ने गलती की। तंत्र मंत्र के जरिए नीतीश पर मोदी का व्यंग बिहार को नागवार गुजरा। आरक्षण के सवाल पर सांप्रदायिक पेच ने अल्पसंख्यकों में ध्रुवीकरण पैदा कर दिया। चुनावी वक्त में बिहार को पैकेज देकर लुभाने की कोशिश ने भी चुनावी लुटिया डुबो दी। बीजेपी का अंदरूनी घमासान और स्थानीय नेताओं की नाराजगी भी एनडीए की हार की वजह बताई जा रही है, और देश के दूसरे इलाकों से बिहार को जोड़ने वाली रेलवे में यात्रा की खस्ता हालत ने भी एनडीए की गाड़ी को डिरेल कर दिया। बिहार के जनादेश को बहुत ही विनम्रता से स्वीकार करते हैं, हम जनता के आदेश का सम्मान करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बधाई दी है, हम सभी नीतीश कुमार जी को, लालू प्रसाद जी को बधाई देते हैं। बिहार में बीजेपी का नुकसान तो हो चुका है, जाहिर है रणनीति में चूक बड़ी है। मुमकिन है कि भविष्य की सियासत को मजबूत करने का कोई कंक्रीट रास्ता आज की संसदीय बोर्ड की बैठक से ही बाहर निकले। आज तक ब्यूरो। जहाँ तक याद याद आती रहेगी।